रोज बोला कि आज सरकार गिरेगी, कल सरकार गिरेगी, आज ये विधायक को चुरा लिया गया, आज ये विधायक को भगा लिया गया, ये बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। और मजेदार बात है कि आज पूर्व के जितने मुख्यमंत्री थे सभी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, एक मुख्यमंत्री को सिर्फ हटाने के लिए। बताओ, आप तो इस देश का सारा मुख्यमंत्री एक तरफ, प्रधानमंत्री भी एक तरफ, और एक तरफ हम गरीब गुरुआ आदिवासी दलित पिछड़ा देखते हैं इस चुनाव में ताकत किसकी है। ये लोग को अब ये गुजरात से चलने वाला, महाराष्ट्र से चलने वाला इन व्यापारियों को, और ये षड्यंत्रकारी हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग को, जात पात की लड़ाई लड़ाने वाले लोगों को आप चुनावी बोरा में भर करके जहां जहां से आएंगे वहां वहां वापस भेज देना होगा। बहुत जल्दी इस राज्य में चुनाव होने वाला है, 2-4 महीने में। यहां पर व्यापारियों का, पूंजीपतियों का गिद्ध नजर पड़ चुका है। कल परसों से ये लोग पूरा गिद्ध की तरह पूरे राज्य में मंडराएंगे, गांव गांव, पंचायत पंचायत में, झारखंड का नहीं, गुजरात का, यूपी का, महाराष्ट्र का, हैदराबाद का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का लोग आपको गांव गांव में देखने को मिलेगा। और धन बल के दम पर भीड़ इकट्ठा करके जाति धर्म का सांप्रदायिक जहर आप लोगों के बीच में घोलने का काम करेगा। ध्यान रखिएगा, इन पूंजीपतियों के पास आपके आंसू पोंछने के लिए कुछ भी नहीं है। इस राज्य के गरीब गुड़वा लोगों को, बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन देने का इनके पास पैसा नहीं है, किसानों का कर्ज माफ करने का पैसा नहीं है, महिला सशक्तिकरण के लिए उनके पास पैसा नहीं है, हमारे गरीबों को आवाज देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन अपने व्यापारी मित्रों को अरबों खरबों रुपया माफ करने का इनके पास अरबों खरबों रुपया पड़ा रहता है। और इनके अरबों व्यापारी मित्र पैसा कौड़ी लेकर के भाग जाता है। अभी लगातार आप सुन रहे होंगे, अभी एक एक नेता, एक एक मंत्री, अलग अलग, कोई अगर मध्य प्रदेश से, कोई आसाम से, कोई छत्तीसगढ़ से, मुख्यमंत्री आकर के यहाँ उलूल जुलूल बक करके जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करके जाते हैं, घुसपैठिए करके जाते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए करके जाते हैं। मैं इनको जानना पूछना चाहता हूं कि अगर आप बांग्लादेशी घुसपैठी करते हो तो अदानी का पावर प्लांट का बिजली किस देश को जाता है, ये बताने का कृपा करो झारखंड प्रदेश के लोगों को। ये लोग ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे आपको बात करके सुनाएंगे कि आपके आपके परिवार के, आपके समाज में बिखराव कैसे पैदा हो। ये लोग आम आदमी को तो छोड़िए, ये लोग भगवान को भी नहीं बकसते हैं। और इसीलिए लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से सांप्रदायिक वातावरण खराब करने का इन लोगों ने काम किया कि देश में भगवान ने भी उनका साथ नहीं दिया और सरकार बनाने के लाले पड़ गए और उनको बैसाखी सरकार बनानी पड़ गई। आज हम यहाँ के गरीबों को, बुजुर्गों का पेंशन, बुजुर्गों का लाठी बुढ़ापे का होता है वो देने का काम करते हैं, महिलाओं को मजबूत करने का काम करते हैं, नौजवानों को मजबूत करने का काम करते हैं, बच्चों बच्चियों के लिए अच्छे स्कूल बनाने का काम करते हैं, तो इनका पेट में दर्द होता है। और झारखंड राज्य का हक अधिकार मांगते हैं तो षड्यंत्र के तहत हमको जेल में डाल देता है। अभी हमको जेल में डाल दिया था ये लोग, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा कि कोई वजह नहीं है इसको जेल में रखने का, और कोर्ट के आदेश से आज आप लोग के आशीर्वाद से आज हम फिर से आपके सामने खड़े हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, अभी ये गिद्धों का हुजूम आने आ रहा है, कोई पलामू में उतरेगा, कोई कोल्हान उतरेगा, कोई संथाल परगना उतरेगा, कोई छोटा नागपुर उतरेगा, देर सारा हुजूम।
और इतना लोग आएगा कि झारखंड में भी इतना लोग नहीं है, इतना लोग लेके आने वाला है इस चुनाव में ये लोग। एक तरफ पूंजीपतियों की ये जमात, दूसरा तरफ ये गरीब गुरुआ आदिवासी दलित पिछड़ा का ये राज। अब ये लड़ाई अमीर और गरीब के बीच में होना है। ध्यान रखिएगा, पैसे देकर के चुनाव में ये लोग घुसने जा रहे हैं। पैसे से हमारा परिवार तोड़ेगा, पार्टी तोड़ेगा और समाज भी तोड़ने का काम करेगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ जैसा दुर्गम जगह पर आज तक 30 साल 40 साल शिबू सोरेन जी के अलावा उस जगह पर कोई नहीं गया था। दूसरी बार ये शिबू सोरेन का बेटा वहां जाकर के दिखाया और वहां के गांव के लोगों को मजबूत करने का काम किया। आज जाके देखिए बूढ़ा पहाड़ इतना खूबसूरत, वहां के गांव के लोग इतने खुशहाल हो चुके हैं कि आपको पता चलेगा कि सरकार की योजना हम सिर्फ कागज पे नहीं लोगों के चेहरे पर दिखाई देता है। हर सरकार के यही सपना यही उम्मीद होता है कि सरकार जो काम करे वो गांव गांव तक पहुंचे, लोगों का चेहरा उनका मुस्कान उसका वापस हो। वर्षों से बेचारा 20 वर्ष ही डबल इंजन की सरकारों ने अलग अलग तरीके से इस राज को लूटा। जब झारखंडियों की सरकार बनी है तो सरकार गिरा नहीं सकते, तो सरकार के मंत्रियों को किडनैप कर लो, उठा लो, कब्जा कर लो, तोड़ लो, डराओ, धमकाओ। सीबीआई ईडी हमारे पीछे 2 साल तक लगा दिया, जब हम उससे डरे नहीं तो जबरदस्ती झूठा केस में जेल में डाल दिया। हम लोग का ये 24 जिला का ये राज, एक जिला को छोड़कर 2300 जिला अगल बगल राज्यों से जुड़ता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये लोग वोट चोरी करने वाले लोग अगल बगल राज्य से भी ढुकेंगे। इन लोगों को गांव में दिखाई दे तो इन लोगों को खदेड़ने का काम कीजिएगा अगर दूसरा राज्य ढुकेगा तो। इसलिए साथी बहुत सारी बातें हैं, आप लोग को सिर्फ हम देखने आए हैं कि यहाँ आप लोग काफी दूर दराज गांव देहात से आए हैं, आप लोग को भी जाना है। पहुंचते पहुंचते रात हो जाता है, लोग कई जगह लोग पैदल भी जाते हैं। पहाड़ के ऊपर भी रहने वाले लोग हैं, पहाड़ के नीचे भी रहने वाले लोग हैं। बस आप लोगों से ये सुनना चाहते हैं कि सरकार आपके लिए राज्य के लिए अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।